कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपके सामने कुछ अपडेट लेके आऊं। काफी सवाल आ रहे थे कि सर कुछ सिंगापुर के ऊपर अपडेट बताइए, क्या अपडेट आ रही है, क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या हो रहा है। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नया है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल पर आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको वीजा के रिलेटेड, सिंगापुर से रिलेटेड, अदर स्टूडेंट वीजा ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो स्टडी वीजा, जो जॉब्स के रिलेटेड वीडियो आती रहती है, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो काफी आती रहती है। लेकिन जो ये आज वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था, सब ये पूछ रहे सिंगापुर के ऊपर अपडेट, बाकी काफी 6-7 महीने से मैंने कोई ऐसी अपडेट नहीं दी जो काफी को जॉब लेने में हेल्प हो सके और स्टूडेंट वीजा में। कुछ फ्लाइट्स के ऊपर मैं ऐसी इंफॉर्मेशन देके मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अब मैं करना चाहता हूं। आपने जिस इस तरह से इस चैनल को प्यार दिया, मेरा एक और चैनल मैंने नया स्टार्ट करा है फूड ब्लॉग के नाम से, इंडियन फूड इन सिंगापुर, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जिस हिसाब से आपने इसको सब्सक्राइब, मेरी आपसे विनती प्रार्थना जो भी है मेरी यूट्यूब फैमिली है, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से हूं और मैं फूड ब्लॉग्स फूड इंडस्ट्री को बहुत लाइक करता हूं, इसलिए मैंने एक नया चैनल शुरू कराया फूड। उसमें ऑलरेडी 70s के आसपास मेरे सब्सक्राइबर है। कुछ वीडियोस मैं इधर डालूंगा, एक आई बटन पे उसको जरूर देखना, उसको सब्सक्राइब शेयर करना, ताकि मेरा प्रोत्साहन मेरी उम्मीद भर सके। और मेरा हमेशा से मोटिव रहता है कि मैं कुछ आपको नया दिखा सकूं। सिंगापुर से जो अभी अपडेट के ऊपर मैं बता रहा हूं कि सिंगापुर में जो ऑलरेडी काफी जॉब्स रीओपन हो चुके हैं, लेकिन जो फ्लाइट्स का इश्यू अभी इंडिया से नहीं है, क्योंकि अभी जो नए एप्लीकेंट्स नहीं आ पा रहे बिकॉज रेगुलर डोंट हैव द रेगुलर फ्लाइट्स। सो पहला अपडेट तो ये है, लेकिन सिंगापुर में जॉब्स काफी सारी अवेलेबल है। अगर कोई सिंगापुर में जॉब्स ढूंढ रहा है और सिंगापुर में ऑलरेडी है, उसको बहुत आसानी से जॉब आराम से मिल जाती है। और दूसरा, ट्रांसफर और भी जॉब हो रहा है कि किसी कंपनी में जॉब्स नहीं है, कोई नए प्रोजेक्ट से ट्रांसफर भी इजिली हो जा रहा है। ये एक अच्छी अपडेट है। और फ्यूचर में मेरे हिसाब से अगर उम्मीद लगाई जाए, गाइस प्लीज वो वाला चैनल जरूर अभी देख लेना, इधर एक आई बटन पे और वीडियोस आ रही होगी, और आज मैंने एक और वीडियो डाली है उसको जरूर देखना है। आज मेरा उसका टारगेट है, जो ये वीडियो देख रहा है उस चैनल को जाके शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं काफी प्रोत्साहन मिलता है जब आप लोग इतना सारा प्यार देते हो। आगे फ्यूचर में वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पर भी, उस चैनल पर भी। और सिंगापुर की जो जॉब है, मैं आपको एक रियलिटी फैक्ट बताना चाहता हूं। क्या आपने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब करा, मुझे कमेंट्स में करना, और आप कहां से देख रहे हो ये भी करना। आज मुझसे कुछ सवाल पूछे गए थे, यार ये वीडियो थोड़ी पूरी देख लेना, मैं अपडेट जो भी अपने पॉइंट्स। सिंगापुर एक बहुत कॉम्पिटेटिव मार्केट है, स्मॉल कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब मिल जाती है। अगर आप ट्राई करोगे तो जॉब मिल जाती है, चाहे वो एजेंट के थ्रू हो, चाहे वो नेटवर्किंग के थ्रू हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी वे से, लेकिन आपको जॉब मिल जाती है। यहाँ पर जॉब्स जो है पढ़े लिखे से लेकर जो अनपढ़ है उनको भी जॉब मिल जाती है। और सिंगापुर एक अच्छी कंट्री है, अगर मैं दुबई वगैरह से देखा जाए तो सिंगापुर की जो सैलरी मेथड है काफी अच्छा है, मिडिल ईस्ट से काफी अच्छा है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, पहला तो एक रियल फैक्ट बता रहा हूं। आपको लॉन्ग आवर्स भी शायद काम करने पड़ते हैं, इतनी रियल वो नहीं मिलती लीनियंटी जितनी दुबई वगैरह में मिलती है, लेकिन आपको पैसा यहाँ सैलरी ऑन द टाइम मिलता है, अच्छी वेजेस मिलती है। मोस्ट प्रोबेबली जो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 के आसपास स्टार्टिंग हो जाती है, और जो आईटी प्रोफेशनल्स है उसकी 2.5 लाख, $6,000, $5,000 बहुत आराम से मिल जाती है। लेकिन कठिन कुछ नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, लेकिन आप ट्राई करेंगे जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपको जॉब तब मिलेगी जब आपको प्रोसीजर आता होगा, आपको ये पता होगा कि आप किस फील्ड से हैं, किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी, देखो ऐसा यार मैंने कमेंट सर मैं यहां से हूं, मैंने ये कर रखा है, मुझे जॉब मिलेगी, लेकिन यार देखो आपको जॉब मिलेगी, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरीज में आते हैं, वर्क परमिट में आते हैं, एस पास में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट पास पर आते हैं। आपको खुद को एनालाइज करो, उस एनालाइज को आपने देखने के लिए मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, कुछ एमओएम की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो सिंगापुर से बाहर, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, कहीं से भी आप जहां से भी वीडियो देखी जा रही है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास यूनिक स्किल है जो बहुत डिमांड है उसकी सिंगापुर में। और क्योंकि देखो यार जनरल जॉब से लेकर एक हाई
स्पेसिफिक जॉब इधर अवेलेबल है। लेकिन एक बात और बताता हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे आपको जॉब मिलेगी, और मेहनत करने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपको छोड़ेगा नहीं। सबसे पहली बात मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपने मेहनत करी जिस इंडस्ट्री में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो, फोटो इंडस्ट्री में हो, फिनांस इंडस्ट्री में हो, आईटी सेक्टर, अगर आपने मेहनत से काम करा, आपका बॉस किसी ना किसी से आपको स्टेबल करेगा इधर, और आपको लंबे समय में जॉब देने की पूरी कोशिश करेगा। सो एक सिंगापुर का ये फायदा है। लेकिन जॉब मिलती है, इतना आसान नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है, अगर आपने ट्राई करोगे तो मिल जाएगी। पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या प्रोसेस होती है, कैसे जॉब मिलती है, क्या पेपर्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, इन चीज़ों का पता हो आपको होना चाहिए। आप एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर आपने किसी ने होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रखी है तो उसको होटल्स में जॉब मिलेगी। अब वो होटल्स में जॉब्स सुपरवाइजर मिलेगी, अंडर सुपरवाइजर मिलेगी, शायद मैनेजर मिले, शायद कुक मिले, शेफ मिले, फ्रंट ऑफिस पर मिले, तो आपको जॉब मिलेगी। लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए, एक्सपीरियंस वो होना चाहिए, ताकि जिस लेवल पर आप काम कर सको। सो यही एक मेरी एक इन्फॉर्मेशन थी। और आगे फ्यूचर्स में मेरे हिसाब से 1 या 2 महीने के बाद मेरे साथ जनवरी 2021 में ऑलमोस्ट ऑल इंडिया से न्यू एप्लीकेंट्स आने के लिए प्रोसेस में हो जाएंगे। अब देखो यार, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं आपको वे बता सकता हूँ कि किस तरह से आपको जॉब मिल सकती है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, आप उनको जाके देख लेना, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब देख लेना उसमें आप। लेकिन पहले आपको ये पता कि मैं किस कैटेगरीज में आता हूँ, मीन्स क्या माई क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे, तो उस हिसाब से क्या प्रोसेस होती है। सो आप किसी भी एजेंसी वगैरह या किसी कंसल्टेंट से भी मिलेंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि तो मैं सच बोलता हूँ, मैं मेरे को कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी घुमा के बातें नहीं करने आती है। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी है तो आपको $18-20 आराम से फ्रेशर मिल जाता है। अगर आप कुछ इंडियन से जाके पूछो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी $2,000-3,000 ले रहे हैं, एस पास पर है, एम्प्लॉयमेंट पास पर भी है, उनकी 4,000 से आप ऊपर सैलरी, 10-10 साल से काम कर रहे हैं। सो यही एक इन्फॉर्मेशन थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी मैं एक इन्फो, अभी 18 कंट्रियों के लिए ही इंडिया ने अप्लाई करा है, सिंगापुर अभी इंक्लूड नहीं हुआ है। जैसे ही अपलोड होगा, मैं जैसे ही जो अपडेट आएगी मैं आपको देता रहूंगा। सो जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट मैं वही कहना चाहता हूँ, उस चैनल को प्लीज उतना प्यार दो जो ये वीडियो देख रहा है, उसको सपोर्ट कर दो ताकि मेरा बहुत हौसला बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।